फिर से एक बार आप हैं हमारे चैनल शिक्षक जंक्शन पर. दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस वीडियो. उस क्लास 10th की लेक्चर वीडियो, जो कंटेंट वीडियो है, उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको वापस से उसी क्वेश्चन पे लेकर जाऊंगी जो हमने अपनी लाइव वीडियो के टाइम पर छोड़ा था. जिन बच्चों ने वो लाइव वीडियो नहीं देखी है, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हिडन है, तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो जो अब रिकॉर्डेड के फॉर्म में हमारे चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है. आपको उसको देखना पड़ेगा और एक एडवर्टीजमेंट के पीछे के छुपे लॉजिक को समझना पड़ेगा. उस लॉजिक का एक रीजन मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था, है ना. वो सबसे पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उनको भी क्वेश्चन पता होना चाहिए. क्वेश्चन ये था कि जो एक एडवर्टीजमेंट आता है, साउथ इंडियन बेटा अपने फादर को देखकर साउथ इंडियन फूड को अपने इन हाथों से विदाउट द यूज ऑफ द स्टील स्पून या फोक नाइफ, जो कि आजकल हम अपनी पार्टीज में यूज करते हैं खाने के लिए, उसको छोड़कर अपने हाथ से खाना प्रेफर करता है. तो इन द मैनर ऑफ साइंस, विल दैट पर्सन बी कंसिडर्ड एज एन एडुकेटेड पर्सन और नॉट. ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका एक लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था कि यस, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मोर एडुकेटेड देन यू ऑल बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कॉस्मिक फिजिक्स. जब हम अपने इन फिंगर्स से टच करके वो खाना खाते हैं, दैट मीन्स द फाइव एलिमेंट्स आउट ऑफ विच अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ गेट्स एक्ट ऑन द फूड एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस या फिर सेटाइटी. आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी करी होगी. ये तो रीजन हमने उस वीडियो में बता दिया था. मैंने आपको बोला था कि आपको एक और लॉजिकल रीजन के बारे में सोचना है, ठीक है. वो भी हम इस वीडियो के बीच में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और खाने की बातें करते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको इसका रीजन भी बताएंगे. ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना कंटेंट वीडियो. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. उस लाइव वीडियो में थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो साउंड था वो इतना क्लियर नहीं था, ठीक है. तो सिर्फ हम एक बार ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि हमने उसमें क्या देखा था. हमने उसमें देखा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है. इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें चार प्रैक्टिसेस को स्टडी करना है. सबसे पहले आता है हमारा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. जब खाने को फील्ड में उगाएंगे हम, क्रॉप्स हमारी फील्ड में कल्टीवेट हो रहे होंगे, तो सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो चीजें चाहिए जिसको वो कन्वर्ट करके हमें फूड दे पाए. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्पसफुली वो सारी चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेगी. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से, मैक्रो और माइक्रो. और इन न्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है. उसके अलावा हमने इसके साथ साथ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का जो रोल है उसको डिस्कस किया था, ठीक है. उसके बाद हमने एक और, खाना देने के बाद हमने क्या देंगे उसको, पानी. मतलब हमने इरिगेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बात की थी. इस इरिगेशन प्रैक्टिसेस में हमने क्या क्या डिस्कवर किया था, हमने देखे थे वेल्स जो कि दो तरह के थे. एक डग वेल्स जो कि पुराने जमाने में चलते थे, आज वो वेल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उसकी जगह क्या आ गए हैं, ट्यूब वेल्स. देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो बहुत क्लेवर होते हैं. एक चीज एक्सटिंक्ट होती नहीं है या होने वाली होती है, उससे पहले वो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं. हमने भी यही किया. जैसे जैसे हमें दिखने लगा कि कुओं से पानी खत्म होता जा रहा है, तो हमने एक नई टेक्निक निकाली. वो क्या निकाली, हमने टेक्नोलॉजी की मदद से और जो नीचे गया हुआ पानी है उसको और ऊपर लाके अपना काम करना शुरू करा. पृथ्वी को कुछ भी हो जाए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए. ये होता है हम ह्यूमंस का फंडा, ठीक. तो हमने देखे थे वेल्स, इसी में थे डग वेल्स और ट्यूब वेल्स, ठीक. इसके बाद थे हमारे कैनाल्स जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू हमारी रिवर तक पानी लाने का काम करते हैं. उसके बाद जहां पर ये कैनाल्स पॉसिबल नहीं है कि ये कैनाल्स हमारे फील्ड में पानी को ले जा पाए, तो हम क्या करेंगे, रिवर से डायरेक्टली पानी उठाकर ले आएंगे, क्योंकि हम तो सेल्फिश हैं. कैनाल्स पानी हम तक नहीं आ सकता, तो हम जा रहे हैं उसको लेने. क्या है ये, रिवर लिफ्ट सिस्टम. उसके अलावा एक और सिस्टम हमने डिस्कस किया था, टैंक सिस्टम. अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो हम पानी को स्टोर करके रखेंगे ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे. ये टैंक्स किस पर बेस्ड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली प्रैक्टिस पर बेस्ड है. तो ये सब कुछ हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था. अब इसी में दो और चीजें, एक तो ये था न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट,
दूसरा था इरिगेशन प्रैक्टिस। इसी में दो और चीजें आती हैं जिससे हम अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पॉइंट से, जो है हमारा क्या, क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले ये जानते हैं कि हम क्रॉपिंग पैटर्न से अपने क्रॉप को, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे मैनेज करेंगे। देखो, न्यूट्रिएंट्स दे दिए और पानी दे दिया, ये तो समझ में आया, लेकिन ये क्रॉपिंग पैटर्न हमारे प्रोडक्शन को मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा। वो ऐसे हेल्प करेगा कि फार्मर्स के पास हमेशा ही एक रिस्क होता है। जैसे किसी भी बिजनेसमैन के पास, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास उस क्लास में जाने से पहले एक रिस्क रहेगा कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे। ठीक उसी तरह से फार्मर्स के पास भी हमेशा से ये रिस्क रहेगा कि उन्होंने जो भी सीड्स अपनी सो की हैं फार्म में, उससे उनको कितना परसेंटेज यील्ड मिलेगा, या फिर वो जिन फैक्टर्स के ऊपर अपनी यील्ड के लिए डिपेंडेंट होने वाले हैं, वो फैक्टर्स उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितना यील्ड होगा, अगर नहीं मिलेंगे तो उनका कितना लॉस होगा। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि 33% पे पास हो जाना है, उनको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुद को भी खाना है, मतलब खुद के परिवार का भी पेट भरना है और हमको भी वो चीज प्रोवाइड करवानी है। तो आएगा क्रॉपिंग पैटर्न, ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारे फार्मर्स का जो रिस्क है, एक क्रॉप पे डिपेंड ना रहते हुए एक ही फील्ड में दो या तीन तरीके के क्रॉप्स वो ग्रो करें, ताकि अगर एक इन केस बाय एनी मीन्स एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स फेल हो जाता है तो दूसरे से उनको यील्ड मिल सके और उनका जो लॉस है वो कुछ हद तक कम किया जा सके। तो इसी के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में या फिर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। जो भी शिक्षक जंक्शन की वीडियोस, स्पेशली साइंस वाली वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें अभी तक मेरे पढ़ाने का पैटर्न समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके नाम से चीज़ों को पढ़ें और एक एक करके आगे बढ़ें, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब क्रॉपिंग में सीड्स को हम सो करने से पहले मिक्स करने वाले हैं, ये है इस मिक्स क्रॉपिंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट यही सिर्फ एक पॉइंट है जिसके थ्रू हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को डिफाइन कर सकते हैं। क्या, द सीड्स आर मिक्स्ड बिफोर द सोइंग। बहुत सारी सीड्स, दो या तीन तरीके की सीड्स को हमने सोइंग करने से पहले, अपनी सीड्स में डालने से पहले मिक्स कर दिया, और फिर हम जैसे अपनी सीड्स में, फील्ड में सीड्स को डालते हैं वैसे हम डालेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब इस मिक्स्ड क्रॉपिंग को करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम जो अपने क्रॉप्स हैं, क्राइटेरिया फॉर क्रॉप सिलेक्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मर्स कोई भी दो सीड्स को मिक्स करके डालें। मानो वो दोनों सीड्स एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, एक ही तरह का उन्हें हार्वेस्टिंग सीजन चाहिए, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए फील्ड से, तो क्या फायदा हुआ उन दोनों सीड्स को एक साथ ग्रो कराने का, लॉस होगा तो डबल लॉस होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ सीजन चाहिए, एक गया तो दूसरा भी गया, ठीक। तो क्या करेंगे, वो जो संगति का असर वाला पॉइंट होता है ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो क्या होगा, क्राइटेरिया कौन कौन से रहेंगे ताकि जो क्रॉप का सिलेक्शन है वो अच्छे से किया जा सके। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आएगा हमारा रूट सिस्टम। नीचे से बढ़ेंगे अब हम, ठीक। उन प्लांट्स का जो रूट सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे ग्राउंड वाटर के अलग अलग स्ट्रैटा से रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब कर सके। मान लो दो ऐसे उन्होंने क्रॉप्स लगाए जिसमें से एक का रूट सिस्टम है शैलो, मतलब ऊपर वाली सतह से जमीन के नीचे से पानी एब्जॉर्ब करेगा, एक है डीप रूट सिस्टम, ठीक है। एक इस स्ट्रेटा से ले रहा है पानी, एक इस स्ट्रेटा से ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन दूर हो गया, दोनों को पानी मिल गया, ठीक। तो ये तो हो गया रूट सिस्टम। दूसरा क्राइटेरिया हो गया हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। दोनों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे फील्ड से। अगर मान लो एक पर्टिकुलर क्रॉप मेजॉरिटी में नाइट्रोजन का यूज कर रहा है तो दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हम ऐसा क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जो नाइट्रोजन को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। तभी दोनों के न्यूट्रिएंट्स की भी जो क्वालिटी है या जो क्वांटिटी है वो हम सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। रूट सिस्टम से ही वाटर का आ जाता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स, वो भी इसी में आ गया, उसके बाद आते हैं पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स। तो हम ऐसी
क्रॉप्स अपनी फील्ड में लगाएंगे जो पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट हो। तो ऐसे ही कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, जनरल क्राइटेरिया है, ठीक है, जो प्लांट सिलेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। अब अगर हम मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल लें तो जैसे आता है हमारा वीट प्लस मस्टर्ड, ये दो ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको हम एक साथ अपनी फील्ड के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इनका ये जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, एक ही चीज़ पर फीड नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा प्लांट्स के लिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आता है इसी वीट के साथ ग्राम का, जो चना होता है उसको भी हम वीट के साथ अपने फील्ड में सीड्स को मिक्स करा के डाल सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात। अब जो दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न है वो आता है इंटर क्रॉपिंग, फिर से नाम से पढ़ेंगे इंटर, इंटर का मतलब होता है बीच बीच में। मिक्स क्रॉपिंग में क्या किया हमने, अपनी सीड्स को सो करने से पहले मिलाया। इंटर क्रॉपिंग में हम ऐसा नहीं करेंगे। देयर आर डेफिनेट रोज इंटू विच द प्लांट्स आर सोन, मान लो एक कोई प्लांट ए है, कोई दूसरा प्लांट बी है, ठीक है, तो डेफिनेट रोज में हम इनको प्लांट करेंगे, सीड्स को मिक्स नहीं करेंगे सोइंग से पहले। फिर दूसरी रो में हम ए कर सकते हैं या फिर बी, और उसके बाद बी कर सकते हैं। तो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो गया। इसके अलावा अगर हम तीन क्रॉप्स भी ग्रो करना चाहते हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं, ए बी सी, और फिर उसके बाद वापस से रिपीट करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक पैटर्न को फॉलो करते हुए सीड्स को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सीड्स को डालना है। ऑल्दो ये सारे क्राइटेरिया भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इस इंटरक्रॉपिंग में हम उन चीज़ों को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोज हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है, मीन्स फार्मर को पता है कि कौन सी सीड को उस पर्टिकुलर रीजन में क्या चाहिए, तो उसके बेसिस पे वो ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब फर्टिलाइजर जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में डाल सकता है। उसके बाद इरीगेशन की जो फैसिलिटी है, जिस क्रॉप को जैसा पानी चाहिए उसके हिसाब से प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग की बात, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस, अपने अपने डिसएडवांटेजेस, ठीक। अब इस क्रॉपिंग पैटर्न के अलावा हमारा जो फोर्थ टॉपिक आता है, ऑल्दो वो क्रॉपिंग पैटर्न से ही रिलेटेड है बट थोड़ा सा अलग है। क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या किया, सीड्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो कराया, जबकि जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो है क्रॉप रोटेशन, ठीक। पैटर्न में हमने एक पैटर्न फॉलो किया था, रोटेशन में हम अपनी क्रॉप्स का रोटेशन करवाएंगे अपनी फील्ड में। मान लो एक सीजन में हमने एक क्रॉप ग्रो कराया, दूसरे सीजन में दूसरा, उसके बाद इसी रोटेशन में इन क्रॉप्स को हम अपनी फील्ड में सर्कुलेट कराएंगे। ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर आप एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे राइस प्लस पल्सेस, ठीक, बिफोर एक्सप्लेनिंग द लॉजिक टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेट मी टेल यू द आंसर दैट वी हैव आस्क्ड इन आवर वीडियो इनिशियली, ठीक है। जैसे ही हमने इनिशियली क्या क्वेश्चन पूछा था, हाथ से खाने वाला इंसान ज़्यादा एडुकेटेड है कि आप जो स्पून्स को प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न है ये। एक रीज़न तो आपकी समझ में आ गया होगा, दूसरा रीज़न आप एक्सपीरियंस, आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ आपके दिमाग में आपने अपने हाथ से बर्गर को लिया और एक हाथ से पिज़्ज़ा को पकड़ा, ठीक है, दोनों की जो इमेज है वो आपके ब्रेन में गई और उसी के हिसाब से आपके माउथ का टेस्ट बदल गया, उसी के हिसाब से आपकी जो भूख थी, आपकी जो हंगर थी वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये सारे फूड्स हम सबको अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने उस फूड को अपने हाथों से पकड़ा। दैट मीन्स यू कैन नेवर इमेजिन दैट आवर दीज फिंगर टिप्स, जिसको आप बहुत मामूली से ट्रीट करते हैं, दीज फिंगर टिप्स कंटेन्स सेवरल नर्व एंडिंग्स, मीन्स सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स अगर हमारी बॉडी पर कहीं होती हैं तो वो होती हैं हमारी फिंगर की टिप्स पे। आपने जब उस फूड को टच किया तो हमारी जो नर्व एंडिंग्स थी उसने हमारे ब्रेन को सिग्नल दिए, ये सिग्नल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट हुए और उस डाइजेस्टिव सिस्टम ने अकॉर्डिंग टू द फूड दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड्स गेट्स
start the secretion of the digestive juices, which in turn will help the digestion of that particular food which you are going to consume. ठीक है, तो आगे से अगर कहीं भी पार्टीज में जाकर आपको कोई दिखता है हाथ से खाने वाला इंसान, या कहीं पर भी आप किसी भी गैदरिंग में गए हुए हों, तो आप ये ना समझें कि वो एडुकेटेड नहीं है या फिर एक बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करता है. इनफैक्ट उसको साइंस पता है, आपको नहीं पता है. आप शायद एक चपाती के बाद खाना बंद कर देंगे, लेकिन उस इंसान ने जिसने एक ही चपाती खाई होगी वो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आगे से इन चीज़ों का ध्यान दें. अगर बड़ी गैदरिंग में नहीं तो एटलीस्ट अपने घर पर तो हम ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, कोई हमें देखने नहीं आने वाला. ठीक, ये था उसका आंसर. अब वापस आएंगे किस पर, क्रॉप रोटेशन पर. एग्जाम्पल क्या दिया हमने, राइस प्लस पल्सेस का. देखो, राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अपनी यील्ड के लिए. ठीक, जबकि पल्सेस एक ऐसा क्रॉप है हमारे फील्ड में जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. अब फिर से इमेजिनेशन की दुनिया में जाओ और सोचो, एक क्रॉप ऐसा है जो नाइट्रोजन ले रहा है, एक क्रॉप ऐसा है जो हमारे फील्ड को नाइट्रोजन दे रहा है, तो क्या हमें बाहर से इन फर्टिलाइजर्स को सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं जितनी क्वांटिटी में अगर हम ये पल्सेस नहीं लगाते तो पड़ती. ठीक, क्योंकि पल्सेस थोड़ा बहुत हद तक उसका काम कर रही हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पल्सेस की जो रूट्स हैं उसमें लेग्यूमिनस रूट्स होती हैं पल्सेस की. कभी देखा हो अगर दालों की जड़ों को उखाड़कर अपनी सॉइल में से, तो उसके जो नोड्यूल्स होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं और पिंक कलर के होते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि पल्सेस खाया करो, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी. उसका भी रीज़न है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ठीक, तब तक उसका भी रीज़न सोच के रखेंगे. पल्सेस को खाने से नाइट्रोजन का कंटेंट इसीलिए बढ़ता है क्योंकि पल्सेस के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करवाते हैं हमारी फील्ड्स के अंदर. ठीक, तो राइस क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ले रहा है फील्ड से, और पल्सेस क्या कर रही है, वही नाइट्रोजन फिक्स करवाने का काम कर रही है. तो जब हम ये दोनों क्रॉप्स को रोटेशन में ग्रो करवाएंगे तो हमारी फील्ड का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो नेचुरली रिप्लेनिश होने लगेगा. वी विल ऑटोमेटिकली लीड टू दी नॉट कंटिन्यूस डिपेंडेंस अपॉन द फर्टिलाइजर्स, बट येस द डिस्ट्रप्शन ऑन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज आ सस्टेनेबल प्रैक्टिस सो दैट अवर क्रॉप प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी मैनेज्ड. ठीक, समझ में आई बात? अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो ऑब्वियस ही बात है आपने वो वीडियो स्किप करके देखी होगी, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. देखो, आपका टाइम भले ही 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जाएंगे, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट टू स्किप द वीडियोज इफ एट ऑल यू आर डूइंग, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट विल नॉट गेट थ्रू इन टू योर माइंड. ठीक, वीडियो को पूरी देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट्स में पूछेंगे. उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस विद द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर येट टू कम. सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन. इफ येस, देन डू व्हाटएवर वी हैव सेड. थैंक यू, हैव अ गुड डे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.